स्टार्ट करने से पहले डायोड और उसका सिंबल देख लीजिए। सो हमारे पास टू टर्मिनल्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। सो एनोड क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। एंड कैथोड क्या है? वो नेगेटिव टर्मिनल्स। सो करंट कैसे फ्लो होता है हमारे डायोड के अंदर? करंट हमारा हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, जो कि डीसी करंट होता है हमारा, डायरेक्ट करंट। सो डेफिनेशन देख लेते एक बार। व्हाट इज डायोड? डायोड एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट अलाउज द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। क्या अंडरस्टैंड किया आपने कि डायोड एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि अलाउ करता है करंट को एक ही दिशा में फ्लो करवाता है। डायोड का ये मेन वर्क है, और वो एनोड टू कैथोड यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट हमारा फ्लो होता है। एक बार इमेज देख लीजिए आप। तो इमेज में आप देख रहे हैं हमारा करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमारा करंट फ्लो हो रहा है, यानी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा करंट फ्लो होता है। सो डायोड का इन्वेंट कब हुआ? ब्रिटेन में नवंबर 16, 1904 में फॉर्मर एडिसन कंपनी के एम्प्लॉय जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका इन्वेंट किया। एज अ डिटेक्टर उन्होंने यूज़ किया फॉर रेडियो सिग्नल के लिए डायोड को। तो इसके यूज़ क्या है और हम किस तरीके से डायोड को यूज़ कर सकते हैं, तो एक्सप्लेन करते हैं। सो डायोड को हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं? डायोड यूज़ एज अ रेक्टिफायर सिग्नल लिमिटर से एंड स्विचेज। तो डायोड एज अ स्विच आपने पढ़ाई होगा, और वोल्टेज रेगुलेटर से बहुत सारे एग्जाम्पल है बता रहा हूँ अभी। तो सिग्नल मॉड्यूलेटर्स एंड सिग्नल डीमॉड्यूलेटर्स, सिग्नल मिक्सर्स एंड ऑक्सीलेटर्स तो इतना सारा यूज़ है डायोड का, एक छोटी सी चीज़ है लेकिन इसका यूज़ देखिए कितना बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर टॉपिक्स बना दिए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।